हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिटरमिनेंट बेस्ड एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी रिलेटेड प्रॉपर्टीज होंगी हम आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने का पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। प्रूव करना है आपको डिटरमिनेंट एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब देखिए, डिटरमिनेंट जीरो जो है वो दो प्रॉपर्टीज में होता है। किसमें? जब आपके पास दो रोज आइडेंटिकल हो जाएं या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं। और एक प्रॉपर्टी है जिसमें आपकी या तो एक रो के ईच एलिमेंट जीरो हो जाए या कॉलम का ईच एलिमेंट जीरो हो जाए। तो आप देखिए, आपका जो फोकस होना चाहिए वो जो आपको प्रूव करना है राइट हैंड साइड पर, उस पर फोकस होना चाहिए। आपको ऑटोमेटिकली आपके स्टेप्स क्लियर होते जाएंगे। तो हमारी जो मेन कोशिश रहेगी, या तो इसके एक रो या एक कॉलम के हर एलिमेंट को जीरो बनाना, या किन्हीं भी दो रोज या दो कॉलम को आइडेंटिकल बनाना। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ये कॉलम 1 है आपके पास, दिस इज कॉलम 2, दिस इज योर कॉलम 3, एंड दिस इज योर रो 1, रो 2, रो 3। हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल्स आर कॉलम। तो अगर आप कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर दें, कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर दें, दिस इज बिकम एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, तो आपका काम बन जाएगा। और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि कॉलम 3 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो भी ये आइडेंटिकल हो जाएगा। तो देर आर मोर देन वन वेज टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन। तो हम लोगों ने जो किया है वो किया, हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास लगाई, सी वन में चेंज किया। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा, सी वन में चेंज करा, यानी कॉलम 1 में ही चेंज आएगा और किसी कॉलम या किसी रो में चेंज नहीं आएगा। कॉलम 1 में चेंज कर रहे हैं हम लोग क्या, फिर से यही चीज आपके पास दोबारा लिखी जाएगी कि कॉलम 1 में आप कॉलम 2 ऐड कर रहे हैं, यानी कॉलम 2 में कोई चेंजेस नहीं है, कॉलम 3 में कोई चेंजेस नहीं है, ओनली कॉलम 1 चेंज। और कॉलम 1 में क्या चेंज है, कॉलम 1 के हर एलिमेंट में आप कॉलम 2 का एलिमेंट ऐड कर देंगे। तो इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा आपके पास, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, एंड दैट इज एज इट इज, दैट इज एज इट इज। अब देखिए, जो आपके पास कॉलम 1 है और कॉलम 3 है, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 का ईच एलिमेंट आइडेंटिकल है, जो आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो आपको कहती है कि डिटरमिनेंट का आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो। तो वी राइट प्रॉपर्टी 2, टू कॉलम C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल बाय ईच एलिमेंट, डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास जीरो हो गया, विच इज योर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। प्रूव करना है आपको डिटरमिनेंट में a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, नेक्स्ट रो b माइनस सी सी माइनस ए ए माइनस बी, नेक्स्ट रो c माइनस ए ए माइनस बी बी माइनस सी, इसका आंसर भी आपको जीरो के इक्वल करना है। तो देखिए, फिर से आपके पास वही दो प्रॉपर्टी आपके काम आ सकती हैं, या तो दो रोज या दो कॉलम के ईच एलिमेंट आइडेंटिकल कर दिए जाए, या एक रो या एक कॉलम का हर एलिमेंट जीरो किया जाए। देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके ही ट्राई कीजिए। अगर हम क्या करें, ये सारी रोज के एलिमेंट ऐड कर दे, लाइक ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी सी माइनस ए, That has become zero. Similarly here, तो zero 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 आपका determinant का answer क्या हो जाएगा, zero। ऐसा आपने row के साथ किया, आप column के साथ भी करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप a minus b में b minus c और c minus a add करें, similarly इसमें ये term और ये term जाके add हो जाए, zero zero zero। तो जो भी आपको तरीका पसंद हो आप उस तरीके से changes कर सकते हैं। We apply column 1, property 1 हम लोगों ने apply करी, column 1 में हम लोग change कर रहे हैं सिर्फ, कॉलम 2 और कॉलम 3 इसमें आके ऐड होगा। ये गलत होगा अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, हम सिर्फ ये लिखते हैं कॉलम 1 एरो का मतलब है चेंज इज ओनली इन C1। तो C1 में क्या चेंज हो रहा है, C1 में ऐड किया जा रहा है C2 और C3। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, देन b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी, सिमिलरली आपने इसमें ऐड करा, इस कॉलम और इस कॉलम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये सब कट कर जीरो जीरो जीरो, एंड दिस इज योर रिमेनिंग थिंग। एक कॉलम भी अगर आपके पास जीरो हो जाए उसका हर एलिमेंट, तो भी आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो ये कहती है कि डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा, जीरो। तो ईच एलिमेंट, तो ये प्रॉपर्टी 2 है, यू हैव टू राइट प्रॉपर्टी 2, ईच एलिमेंट ऑफ C1 आर जीरो, योर आंसर इज जीरो। क्वेश्चन प्रॉपर्टी वाले सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि आप मिनिमम दो प्रॉपर्टी लगाएं, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मिनिमम दो प्रॉपर्टी आप लोगों ने लगानी ही लगानी है, मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम दो प्रॉपर्टीज आप लोगों की होनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ दो प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पर भी आप लोगों की दो प्रॉपर्टीज थी। होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2765, नेक्स्ट रो 3875, नेक्स्ट रो 5986, जीरो। फिर से वही दो प्रॉपर्टीज, दो रोज आइडेंटिकल बन जाएं, दो कॉलम आइडेंटिकल बन जाएं, या फिर एक रो या एक कॉलम का हर एलिमेंट जीरो हो जाए। तो आप लोग देखिए, सिर्फ इन दोनों अगर कॉलम्स को देखा जाए तो इनमें स्मॉल नंबर्स हैं,
इसी एक कॉलम में आपके पास थोड़े से बड़े नंबर्स हैं, तो कुछ ऐसा चेंज किया जाए कि इनको भी छोटा कर दिया जाए ताकि ये सब एक दूसरे से मैच करें। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग इसको छोटा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने इन नंबर्स को उठाया क्योंकि ये कंपैरेटिवली इससे बड़े हैं। अगर हम 7 को 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें, रिमेनिंग इज 2, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, यहां पर रह जाएगा 3। तो कुछ ऐसा हो रहा है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से, इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो आपके पास ये कॉलम आइडेंटिकल आ रहा है, क्योंकि हमें पता था कि अगर हमें राइट साइड पे 0 चाहिए तो ऐसा कुछ ना कुछ यहां होना ही चाहिए था। तो देखिए हम लोगों ने क्या लिखा, सिर्फ C3 में चेंज आ रहा है और किसी में नहीं। C3 में क्या चेंज आ रहा है, -9 ऑफ C2। ये जो हम 9 टाइम्स कर रहे हैं C2 का, ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेटिव है, यानी आप C2 को एक्चुअली में 9 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ C3 में चेंज है, सिर्फ इसको चेंज लाने के लिए ही आप बाहर बाहर इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो C1 कॉलम को एज इट इज लिख दीजिए, C2 कॉलम को एज इट इज लिख दिए, नाउ दिस वन C3 -9 टाइम्स ऑफ दिस, रिमेनिंग इज 2। सिमिलरली C3 -9 टाइम्स ऑफ C2, दिस वन इज दिस। और इसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाने के बाद आप देखेंगे कॉलम 1 और कॉलम 3 का ईच एलिमेंट आइडेंटिकल है, तो यू राइट प्रॉपर्टी 2, ईच एलिमेंट ऑफ C1 एंड C3 आइडेंटिकल, डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास 0 है। आप डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते जब तक आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखी है, क्योंकि दिस इज योर प्रॉपर्टी बेसिकली। तो मिनिमम 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी लग गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1 1 1 बी सी सी ए बी, नेक्स्ट कॉलम ए विद इन ब्रैकेट बी प्लस सी, बी विद इन ब्रैकेट सी प्लस ए एंड सी विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट के अंदर नहीं है, पहले आप इन्हें भी ब्रैकेट से हटा दीजिए, दैट इज बिकम ए बी प्लस बी, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी। तो देखिए आपके पास एक चीज करी जा सकती है, फिर से वही बात है, आपको राइट साइड पे 0 चाहिए, सिमिलर सी सिचुएशन है आपके पास। आप इस वाले कॉलम में ये वाला कॉलम अगर प्लस कर दें तो हर एलिमेंट बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या आप C3 में भी C2 को प्लस कर सकते हैं, तो भी यही सिचुएशन अराइज होगी। तो वी राइट प्रॉपर्टी 1 जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं C3 में, यानी हर एलिमेंट कॉलम के थर्ड एलिमेंट जो है, थर्ड कॉलम जो आपके पास है उसके हर एलिमेंट में C2 का ईच एलिमेंट ऐड किया जा रहा है। तो C1 में कोई चेंज नहीं, C2 में कोई चेंज नहीं, C3 बिकम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जैसे आप ऐड करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अभी भी आपका काम नहीं हुआ, बड़े हो जाएगा। अब देखिए यहां का हर एलिमेंट सेम है, तो वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम C1, वी कैन टेक कॉमन, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, तो इसलिए राइट प्रॉपर्टी 2, टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C3, ओके फ्रॉम C3। तो आपने C3 में से जैसे ही कॉमन लिया, दैट इज बिकम 1 1 1, 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, डिटर्मिनेंट का आंसर 0, एंड आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, नेक्स्ट रो सी प्लस ए आर प्लस बी जेड प्लस एक्स, नेक्स्ट रो ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। आपको यहां पर डिटर्मिनेंट एक्सपेंड नहीं किया हुआ है, आपको आंसर चाहिए ट्वाइस ऑफ ए पी एक्स, नेक्स्ट रो पी बी क्यू वाई, नेक्स्ट रो सी आर जेड। तो देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे, आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड पिक करी अपनी, तो आप ये देखिए कि ये टर्म्स काफी सिमिलर हैं, ये टर्म्स एक दूसरे सिमिलर हैं, ये तो आप इस तरीके से इन्हें ऐड कर देंगे तो आपको ट्वाइस मिल जाएगा। इस तरीके से ऐड करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि बी प्लस सी क्यू प्लस आर और वाई प्लस जेड में कोई रिलेशनशिप नहीं है, और हम लोगों को जिस तरीके से यहां पर चाहिए ए पी और एक्स, उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 कॉमन आ सकता है अगर हम R1 में R2 और R3 को लाकर प्लस कर दे, तो सिर्फ R1 में चेंज आएगा, R1 में क्या चेंज आएगा, R1 में आप R2 और R3 को लाकर प्लस कर देंगे, तो ये कॉलम सॉरी ये रो R2 और R3 का हर एलिमेंट प्लस कर दीजिए, तो आपके पास ये वाली रो के हर एलिमेंट में चेंज आ जाएगा, दैट इज बिकम, अगर आप ऐड करेंगे तो दैट इज बिकम ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी ट्वाइस ऑफ सी, तो वी राइट ट्वाइस कॉमन ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, सिमिलरली जब आप इन्हें ऐड करेंगे 2 बाहर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां रह गया सी प्लस ए आर प्लस बी जेड प्लस एक्स, दिस वन रिमेनिंग। इस रो में से हर एलिमेंट में से 2 आप कॉमन ले सकते हैं, जो कि आपकी राइट साइड की रिक्वायरमेंट भी है, तो वी राइट प्रॉपर्टी 2, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ R1। तो आपने 2 कॉमन ले लिया, और कॉमन का मतलब ही यही होता है जब सभी के अंदर हो तभी वो कॉमन लिया जा सकता है, तो रिमेनिंग आपके पास रह गया ये। अब जैसा कि आप राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं, आपको चीजें छोटी चाहिए, यानी 1 1 टर्म आपको हर एलिमेंट में चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, सी प्लस ए में से अगर आप ये वाली एलिमेंट को माइनस कर दें, रिमेनिंग थिंग इज
माइनस बी, सिमिलरली यहां माइनस कर दीजिए यहां, ऐसा ही अगर आप यहां करते हैं तो आपके पास सिंगल सिंगल एलिमेंट रह जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने प्रॉपर्टी थर्ड जो यूज करी है वो ये करी है, आर टू में चेंज कर रहे हैं हम लोग आर टू माइनस आर वन, आर थ्री में भी चेंज कर रहे हैं आर थ्री माइनस आर वन। साइमल्टेनियसली आप दो चीजों में चेंज कर सकते हैं, यानी दो रोज में, तीसरी रो में चेंज नहीं किया जा सकता, मिनिमम मैक्सिमम दो ही रोज में आप साइमल्टेनियसली एक ही प्रॉपर्टी में चेंजेस कर सकते हैं। तो आर टू माइनस आर वन, आर थ्री माइनस आर वन, इट इज नॉट पॉसिबल यू कैन राइट आर वन में चेंज कर रहे हैं हम आर वन प्लस आर थ्री, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आर टू में चेंज, आर थ्री में चेंज, तो आर वन में कोई चेंज नहीं है इसलिए आर वन एज इट इज। आर टू के हर एलिमेंट में से आप आर वन का एलिमेंट माइनस कर दीजिए, सी प्लस ए में से जब आप इसे माइनस करेंगे माइनस बी, आर प्लस पी में से जब आप इसे माइनस करेंगे माइनस क्यू, जेड प्लस एक्स में से आप इसे माइनस करेंगे माइनस वाई, सिमिलरली आपके पास आर थ्री में ये एलिमेंट रह जाएंगे। तो होपफुली देखिए आपकी सेकेंड रो और थर्ड रो तो मैच कर गई, लेकिन फर्स्ट रो के एलिमेंट अभी भी बड़े हैं, तो टेंशन नहीं है हमारे पास। अगर हम इन दोनों एलिमेंट को उठाकर फिर से आर वन में प्लस कर दें तो ये चीज भी आपकी ऑब्जर्व हो जाएगी, मिल जाएगी आप लोगों को। तो प्रॉपर्टी फोर में हम लोगों ने आर वन में क्या चेंज करा, आर वन में आर टू और आर थ्री प्लस करा। नाउ आर वन में ही चेंज आएगा, आर टू और आर थ्री में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आर टू आर थ्री एज इट इज जब अपने ये दोनों एलिमेंट इसमें ऐड करे आपके पास ए पी और एक्स रह जाएगा। अभी भी आपकी राइट हैंड साइड मैच नहीं करती क्योंकि यहाँ माइनस चल रहे हैं जो कि माइनस आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो क्या करें हम लोग, प्रॉपर्टी नेक्स्ट लगा रहे हैं हम लोग, माइनस वन कॉमन ले रहे हैं आर टू में से, माइनस वन कॉमन ले रहे हैं आर थ्री में से, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा एंड दिस इज योर राइट साइड। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, नेक्स्ट रो बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, नेक्स्ट रो सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर, आपको प्रूफ करना है फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए जीरो वाले क्वेश्चन खत्म हो गए अब आप लोगों के। अब राइट हैंड साइड देखिए क्या चीज चाहिए आपको, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वैसा सही चीज हम लोगों को ट्राई करना है कि फोर कॉमन आ जाए, ए कॉमन आ जाए, बी कॉमन आ जाए, सी कॉमन आ जाए। तो अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ की हर टर्म में से ए कॉमन है, यहाँ हर टर्म में से बी कॉमन है, यहाँ हर टर्म में से सी कॉमन है। जैसा आपने रो में चेक करा एक बार कॉलम में भी चेक कर लीजिए, कॉलम में से भी पॉसिबल है। तो आप एक बार में एक ही चीज से कॉमन लीजिए, तो टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम आर वन आर टू आर थ्री रिस्पेक्टिवली, तो आपने जैसे इसमें से ए कॉमन लिया बाहर चला गया, बी कॉमन लिया एक बार, सी कॉमन लिया, ए बी सी बाहर चले गए, आपके पास यहां पर रह गया माइनस ए, यहां रह गया आपके पास बी सी, यहां पर आपके पास रह गया आपने यहां बी कॉमन लिया, यहां रह गया ए, यहां रह गया माइनस बी सी, सिमिलरली दिस वन। अब देखिए फिर से आप यहां से ए बी और सी कॉमन ले सकते हैं, दिस इज योर कॉलम, तो वी राइट टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम सी वन सी टू एंड सी थ्री कॉमन, दैट इज बिकम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बस एक ही चीज रह गई आपकी राइट हैंड साइड में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आ गया आपके पास फोर रह गया। अब देखिए आपके पास ये सिचुएशन है, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपकी कोशिश ये होगी मैक्सिमम जीरोज बनाना, कोशिश मैक्सिमम जीरोस बनाना, नहीं होता तो कम से कम दो कॉन्टिन्यूस जीरो आपके पास बनने चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आपको एक्सपैंड का बताएंगे। तो एक्सपेंशन जो है वो आप डिटरमिनेंट की पहली एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देखिए हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सपैंड किस तरीके से करेंगे। तो पहले कोशिश कर लेते हैं कि अगर जीरोज बन सकते हैं तो वेल एंड गुड। तो जीरोज बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आर वन में आर टू को क्या कर सकते हैं ऐड, ये देखिए आर वन है आपके पास, आर टू को ऐड कर दीजिए, आर टू में आप आर थ्री को ऐड कर सकते हैं, ऐसा आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। सी वन में सी टू को प्लस कर दीजिए और सी टू में से सी थ्री को क्या कर सकते हैं आप लोग, माइनस कर सकते हैं। तो वी अप्लाई इन द कॉलम्स, तो हम लोगों ने क्या करा, सी वन में चेंज करा, हमने सी वन में सी टू को ऐड कर दिया, यानी सी वन में चेंज आएगा, और सी टू में हमने चेंज करा, सी टू में से सी थ्री क्या कर दिया, माइनस। तो जब आपने ऐसा किया इन दोनों को ऐड, दैट बिकम जीरो जीरो, दैट इज बिकम टू, जब आपने इसमें इसको माइनस करा, दैट इज बिकम जीरो, दैट इज बिकम माइनस टू, दैट इज बिकम टू, और सी थ्री में तो आपने चेंजेस करे नहीं, आपने किस में चेंज करा है, सिर्फ सी वन और सी टू में। अब आप इसे एक्सपैंड कर दीजिए, एक्सपेंशन करते वक्त ध्यान रखिए अगर आप आर वन के अलॉन्ग में एक्सपैंड कर रहे हैं, हम लोग अभी आर वन के अलॉन्ग में एक्सपैंड कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस होता है माइनस होता है प्लस। अब देखिए जीरो आप इसे एक्सपैंड भी करेंगे तो जीरो कोफिशिएंट होने की वजह से दैट टर्म इज जीरो, सिमिलरली जीरो की वजह से दैट टर्म इज जीरो, यही आपके काम का है। प्लस वन ये आपने जिस एलिमेंट में कॉलम में जिस एलिमेंट को लिया उसकी रो और कॉलम को छोड़कर आपके पास ये आ जाता है जीरो माइनस
फोर माइनस होता है, ऑलरेडी माइनस फोर है, दैट इज बिकम फोर, दिस इज योर राइट हैंड साइड. नाउ क्वेश्चन नंबर एट का फर्स्ट पार्ट देखिए, आपके पास है वन 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 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आपको प्रूव करना है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए. तो देख लीजिए ए माइनस बी कैसे आएगा. अगर हम इस रो को इस रो में से माइनस कर दें, इस रो को इस रो में से माइनस कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा जो हमारी राइट हैंड साइड चाह रही है. तो बस यही वाली प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे और देखिए जीरोज भी बन जाएंगे. तो दोनों काम जो आप लोगों को एक हिंट दिए गए हैं कि जीरोज बनाने को कोशिश कीजिए या फिर राइट हैंड साइड पर फोकस कीजिए, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं आप लोगों के. तो इसलिए हम लोगों ने क्या अप्लाई करा, आर वन में हम चेंज कर रहे हैं, आर वन में से आर टू को माइनस कर रहे हैं, दैट इज बिकम ए माइनस बी, और आर टू में से आर थ्री को माइनस कर रहे हैं. तो जब आपने इसमें से इसको माइनस करा, दैट इज जीरो ए माइनस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज ए माइनस बी ए प्लस बी. सिमिलरली दिस माइनस दिस जीरो बी माइनस सी, एंड दैट इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दैट इज कैन बी रिटन एज बी माइनस सी बी प्लस सी. नाउ अब आप कॉमन ले सकते हैं क्या इस कॉलम में से a माइनस बी. कई स्टूडेंट कहते हैं हाँ a माइनस बी तो है नहीं, देखिए जीरो के साथ मल्टीप्लाई में चल रहा होगा, नजर नहीं आ रहा. तो a माइनस बी आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, तो दैट इज बिकम जीरो वन, और यहाँ रह गया a प्लस बी. यहाँ से भी आप b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, दैट इज जीरो, दैट इज वन, दैट इज b प्लस सी, वन सी सी स्क्वायर. जीरोज बन गई हैं, आप और जीरोज बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं. अभी भी आपकी एक टर्म रह गई है सी माइनस ए, बाकी काम तो हो ही गया. एक्सपेंड भी कर सकते हैं, जीरोज बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं. तो हम लोग जीरो और बना रहे हैं, हमें दिख रहा है कि अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दे तो एक जीरो और बन जाएगी. तो हम लोगों ने आर वन में चेंज करा, आर वन में से आर टू को माइनस कर दिया. नाउ जीरो माइनस जीरो जीरो, दिस इज जीरो, दिस बिकम ए माइनस सी, जीरो वन बी प्लस सी दिस. अब आप देखिए ए माइनस सी इस वाली रो में से क्या लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है, तो टेक अ कॉमन. ये देखिए इसमें कोई टेंशन नहीं है आपके पास, यहाँ जीरो है तो इसमें कोई टेंशन नहीं है. ए माइनस सी तीनों में होना चाहिए था, यहाँ है लेकिन जीरो की वजह से आपको नहीं आ रहा, तो जीरो की टेंशन नहीं है. जब आपका जीरो दो कॉलम में आ जाए तो आप ए माइनस सी बड़े आराम से कॉमन ले सकते हैं. तो हम लोगों ने ए माइनस सी कॉमन ले लिया, या आप एक्सपैंड करके भी निकाल सकते हैं. फिलहाल हम लोगों ने इसे एक्सपैंड करके सॉल्व किया, तो आप इसे एक्सपैंड कर दीजिए. ये जीरो है, ये भी जीरो है, a माइनस सी बाहर लिया आपने, तो दिस इज जीरो माइनस वन, आपके पास माइनस वन आ रहा है. तो अब देखिए आप कहेंगे हमारी राइट हैंड साइड में तो माइनस वन नहीं है, पर आपने राइट हैंड साइड ध्यान से देखी हो तो a माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस सी नहीं चाहिए आपको, c माइनस ए चाहिए. तो जो माइनस वन है ये आपके काम आएगा इनके साइन चेंज करने के, दैट इज बिकम c प्लस a, दिस इज योर राइट हैंड साइड. नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x x y, कुछ हद तक अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया वैसा सही है. x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x, एक और टर्म चाहिए इसमें, बट ये चीज आपको पता है हम ऐसे अचीव कर सकते हैं, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस. तो सिमिलरली वी अप्लाई आर वन में चेंज कर रहे हैं हम लोग आर वन माइनस आर टू, एंड आर टू में चेंज कर रहे हैं आर टू माइनस आर थ्री, दिस इज बिकम एक्स माइनस वाई, दिस इज बिकम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, विच कैन बी रिटर्न एज एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई. तो ये आपके पास यहां से आप कॉमन ले सकते हैं जेड, तो ये बनेगा वाई माइनस एक्स. और अगर आप माइनस जेड कॉमन ले लें, लाइक आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस जेड प्लस वाई जेड, तो अगर आपने इसमें से माइनस जेड कॉमन लिया, दैट इज बिकम एक्स माइनस वाई, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है. तो इसलिए हम लोगों ने माइनस जेड कॉमन लिया, दैट इज बिकम एक्स माइनस वाई. इसको हम लोगों ने एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई खोल दिया, ऐसे ही जब हमने इसको माइनस करा, दैट इज बिकम वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई. और आर थ्री में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आर वन और आर टू में आपके पास चेंज आया है. यहां पर भी हम लोगों ने फॉर्मुला खोल दिया वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, और यहां से भी हमने माइनस एक्स कॉमन लिया, दैट इज बिकम वाई माइनस जेड, दिस इज एज इट इज. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो R1 के हर एलिमेंट में से आपको x माइनस वाई कॉमन निकल रहा है, y माइनस जेड आपको R2 में से कॉमन निकल रहा है. तो इसलिए वी अप्लाई टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2. नाउ x माइनस वाई मिल गया, y माइनस जेड मिल गया, अभी भी दो चीजें आपके पास हैं, आपके पास ये चीज आ गई. अब जहां वन वन दिख जाए वहां एक क्वेश्चन जीरो बना दीजिए. तो जीरो बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करा, आर वन माइनस आर टू, आगे हमें समझ नहीं आ रहा था, वन वन देखकर ये काम तो कर ही दीजिएगा. आर वन माइनस आर टू, तो दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस एक्स माइनस जेड, दिस माइनस दिस माइनस जेड प्लस एक्स. तो देखिए इससे आपका काम अपने आप बन गया. आप अगर यहां से देखेंगे तो एक्स माइनस जेड जो है वो आपके पास कॉमन आ रहा है, तो आपने एक्स माइनस जेड आर वन में से कॉमन ले लिया, दैट इज बिकम जीरो वन 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 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई. आप चाहें तो एक और बार जीरो बना सकते हैं, सी वन में से सी टू को माइनस करके देखिए यहां पर है, या सी टू में से सी थ्री को माइनस कर, या सी थ्री में से सी टू को माइनस कर. कोशिश ही होती है कि कॉन्टिन्यूस जीरो होने चाहिए, तो इसलिए भी राइट सी टू में से सी थ्री को माइनस कर, या आप एक्सपैंड कर भी जो बची हुई टर्म है वो बड़े आराम से निकाल सकते हैं. तो हम लोगों ने यहाँ पर सी टू माइनस सी थ्री अप्लाई करा, तो आपके पास सी वन एज इट इज है, दैट इज बिकम जीरो, दैट इज बिकम एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड दैट इज बिकम जेड स्क्वायर माइनस दैट इज बिकम जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई. तो ये देखिए आपके पास ये टर्म्स आ गई.
उसके बाद आप इसे एक्सपैंड कर दीजिए, तो कंटिन्यूस जीरोस आ गई हैं आपके पास, प्लस माइनस प्लस जीरो, इसका कोफिशियंट जीरो है, दैट इज ऑल्सो जीरो, ये वन हम लोगों ने लिखा, ये एज इट इज छोड़ा, दिस माइनस दिस, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दैट इज बिकम माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड एक्स, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको तो प्लस चाहिए, कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखिए, आपको एक्स माइनस जेड नहीं चाहिए अपनी राइट हैंड साइड पे, जेड माइनस एक्स चाहिए, तो इसका जो माइनस है वो इन दोनों के साइन चेंज करने में आपकी हेल्प करेगा, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच हु क्रिटिसाइज मी सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस, थैंक यू सो मच हु हाईलाइट माई एरर सो दैट आई कैन रेक्टिफाई देम।